नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज बात करने वाले हैं पल्लवी पटेल को लेकर। जी हां, पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से शिकस्त खाती हुई नजर आई, 22 प्रत्याशियों को मैदान में उतारती हैं, लेकिन एक भी प्रत्याशी जीत नहीं दर्ज कर पाता। वहीं जब अखिलेश यादव के साथ पल्लवी पटेल गठबंधन में थी तो कहीं ना कहीं उनका दबदबा और दमखम देखने को मिलता है, लेकिन जब से वो अखिलेश यादव का साथ छोड़ देती है तब से कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल दर दर भटकने को मजबूर जाती हैं। वहीं पीजीए के मोर्चे पर पल्लवी पटेल एक जिस तरीके से काम करते हुए नजर आ रही थी, माना ये जा रहा था कि अखिलेश यादव के लिए वो रामबाण साबित हो सकती हैं। वहीं जब उन्होंने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया, पीजीएम का मोर्चा फिर उन्होंने शुरू किया। पीजीएम के मोर्चे में जिसमें पिछड़ा दलित मुसलमान आते हैं, मुस्लिम वोटर को साधने के लिए कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल ओवैसी का रुख कर लेती है और ओवैसी के साथ गठबंधन में चली जाती है, लेकिन उसका कोई फायदा पल्लवी पटेल को देखने को नहीं मिलता है। वहीं पल्लवी पटेल बार बार मायावती का रुख तो करना चाहती हैं, लेकिन मायावती उनको हमेशा दरकिनार कर रखती हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस बार भी अगर पल्लवी पटेल को किसी गठबंधन का साथ नहीं मिला तो जाहिर तौर पर उनकी पार्टी अपना दल कमेरावादी कहीं ना कहीं अपना जनाधार खोते हुए नजर आ सकती है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि ओवैसी के साथ अभी पल्लवी पटेल ने गठबंधन तोड़ा नहीं है और चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी ने एक दूसरे के साथ गठबंधन कर लिया है। चिराग पासवान भी मैदान में आने वाले हैं। क्या ऐसे में सभी दलों को मिलाकर एक मजबूत दल बनाया जा सकता है? क्या चिराग पासवान भी किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं? पल्लवी पटेल क्या उनके साथ जा सकती हैं? ये बात कहीं ना कहीं अभी कयास के तौर पर देखे जा रहे हैं, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ओवैसी के साथ पल्लवी पटेल जा सकती हैं और वहीं चंद्रशेखर आजाद हो सकता है कि किसी सीट पर पल्लवी पटेल को इस बार जगह देते हुए नजर आए। वहीं बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो पल्लवी पटेल किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ती है। बीच में अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बनारस सीट से पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें अफवाह बनकर रह जाती हैं और पल्लवी पटेल बनारस से चुनावी मैदान में नहीं उतरती हैं। लेकिन अब एक बार फिर से माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के साथ गठबंधन में जा सकती है और ये गठबंधन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ओवैसी के लिए फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि जितने भी चेहरे हैं वो दलित और मुस्लिम के चेहरे हैं। ऐसे में इस बार के उपचुनाव की 10 सीटों पर अगर इन तीनों का समीकरण बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण को एक बड़ी जीत मिल सकती है और पल्लवी पटेल का भी जो एक घटा हुआ कद था वो भी पटरी पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। देखना यह होगा कि आखिरकार इसका ऐलान आधिकारिक तौर पर कब किया जाता है, चंद्रशेखर आजाद रावण और पल्लवी पटेल और ओवैसी कब सीटों पर ऐलान करेंगे, ये कहीं ना कहीं देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में भी इन तीनों का गठबंधन चलेगा या नहीं चलेगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।